हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल मैथमेटिक्स में। तो आपको पता ही है कि हम 2023 मैथ के लिए, बोर्ड के लिए, हम ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमने जो हमारा तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके हमने एक नंबर वाले आपको बता दिए थे। ये हमारे हैं दो नंबर वाले। अगर आपने एक नंबर वाले की वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो वो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से अगर आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके भी पास पहुंच सके। तो अब देखते हैं दो नंबर वाले। ये दो नंबर वाले में पांच क्वेश्चन है जो कि हमारे 2023 बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे दो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तीसरा और एक पांचवा। ये आपको 2023 बोर्ड में 99% दोनों के दोनों क्वेश्चन दिखाई देंगे। दोनों के दोनों इतने इजी क्वेश्चन है और दो नंबर में 100% आने के चांस इनके, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप ये पांचों क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मार लें, क्योंकि फिर मैं इनको मिटा के इनको सॉल्यूशन भी कराऊंगा यहीं पर। तो पहले आप इनके स्क्रीनशॉट मार लें। तो आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अब क्या है, इसमें पांच क्वेश्चन है, आपको मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। जैसे दो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैं आपको एक का तरीका बताऊंगा, आप दूसरा सॉल्व करना खुद और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये बाकी एक एक क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पहला वाला बताता हूँ, ये मिटा रहा हूँ, आपने स्क्रीन शॉट तो मार ही लिया। तो पहला क्वेश्चन है इसका, वो हम देखते हैं। हमें दे रखा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, और ये दोनों में समीकरण दे रखी है। अब आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेकल कब होते हैं, कौन सी कंडीशन होती है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन की नहीं आते आपको, तो इससे पहली वाली वीडियो आप जरूर देखें, उसमें बहुत क्वेश्चन करवा रखे इस टाइप के, और वो इंपॉर्टेंट भी है, एक नंबर वाले भी है और ये दो नंबर वाले तो करा ही रहा हूँ। तो अपरिमित रूप की कंडीशन होती है, यहाँ लिख देंगे अपरिमित रूप की क्या कंडीशन होती है, कि ए वन अपॉन ए टू बराबर होगा बी वन अपॉन बी टू के, और बराबर होगा सी वन अपॉन सी टू के। ये हमारी होती है कंडीशन जो कि होती है अपरिमित रूप के अनेक हल की। अब हम यहाँ पर ए वन और ए टू, बी वन बी टू और सी वन सी टू के मान कहाँ से निकालेंगे, वो अगर आपने नहीं आते तो आपको इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखनी है, उसके बाद ही आप यहाँ पर आए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ से हम ए वन का मान निकाल लेंगे। ए वन का मान हम मान यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कितना आएगा, के। अब यहाँ पर देखेंगे हम किसका, बी, उसका बी वन का मान, क्योंकि हमारी जो रैखिक समीकरण होती है वो हमारी ये होती है ए एक्स वन, वो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये हमारी क्या होती है, रैखिक समीकरण होती है। यहाँ से हम तुलना करके मान निकाल दे, फिर भी आप पहले वाली वीडियो देख लें, इससे आपको सही पता चलेगा। तो बी वन का मान हो गया हमारा यहाँ तीन, ऐसे हम निकाल लेंगे सी वन का मान, तो हो जाएगा के माइनस तीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे, दूसरी समीकरण है तो यहाँ निकाल लेंगे ए टू का मान, ए टू का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, बारह। ऐसे देखेंगे हम किसका, बी टू का मान हमारे पास आ जाएगा के। अब ऐसे देखेंगे सी टू का मान, हमारे पास कितना आ जाएगा, के, ठीक है। अब हमारी कंडीशन ये होती है, तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे, मान हम पुट कर देंगे सारे के सारे, यानी कि इस कंडीशन में रख देंगे। तो यहाँ पर ए वन है तो ए वन का मान हमारे पास है के, ए टू है इसका मान है हमारे पास बारह, बराबर थ्री अपॉन के हो जाएगा यहाँ पर, बी अपॉन बी वन अपॉन बी टू का। ऐसे सी वन अपॉन सी टू का मान हो जाएगा हमारा के माइनस थ्री अपॉन के, ठीक है। अब यहाँ क्या निकालना है, के का मान। अब हम क्या है, दो को सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ तीनों क्वेश्चन में के दे रखा है, इसलिए हम पहले इन दोनों को लेंगे बराबर, फिर इन दोनों को बराबर लेंगे, जो भी के का मान कॉमन होगा वो यहाँ पर आंसर होगा। तो पहले हम स्टार्टिंग वाले दो ले लेंगे, ऐसे के अपॉन ट्वेल्व बराबर हुआ थ्री अपॉन के, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, के स्क्वायर बराबर बारह या छत्तीस, ठीक है। अब के है इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर के का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस छ, ठीक है।
तो ये तो आ गया इन दोनों को सॉल्व करके। अब लेंगे लास्ट वाले दो, इनको सॉल्व करके अगर k का मान 6 आता है यहाँ भी, तो यहाँ क्या हुआ इसका k का मान क्या होगा 6, वो हमारा आंसर होगा। ये भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 अपॉन k बराबर होगा 3 k माइनस 3 अपॉन k। अब दोनों के क्या है, हर में क्या हमारा k है, दोनों के काट देंगे, यहाँ आ जाएगा 3 बराबर k माइनस 3, ये माइनस का 3 इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर k। तो यहाँ भी k का मान कितना आ गया हमारा 6 आ गया, 6 इधर भी 6 था इधर भी 6। तो लिख देंगे कि दोनों से हमारा जो k का मान है वो क्या आया हमारा 6 आया है, इसलिए जो हमारा k का मान क्या हुआ 6। तो लिख देंगे आंसर k बराबर 6, दोनों से हमारा, दोनों जो हमारी क्वेश्चन थी वहां से हमारा k का मान कितना आया 6। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो इसका ये सॉल्व हो गया, और सेम इसका ऐसी है दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें मान दे रखे हैं, इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी यही पूछा है कि k का मान याद करना है जिसमें क्या हो हमारे आपनित रूप से अनेक हल हो। फिर यही ये कंडीशन लगा देंगे, यहाँ से मान निकाल लेंगे इन तीनों के, a1 a2 b1 b2 c1 c2, मान निकालने के बाद कंडीशन जैसे थी हमारी वैसे मान पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सेम यहाँ से भी k का मान आ जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, पहला दूसरा हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप करने के बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बता दें, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपका आंसर आपको आया या नहीं आया, वो क्वेश्चन आपको भी पता चल जाए। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में हमें दे रखा है, पहले तीसरे क्वेश्चन में लिख लेते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, हमें नहीं पता कौन सी दो संख्या है, उनका अंतर है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो वो क्या करनी है हमें, संख्या याद करनी है कि संख्या क्या है, हमें तो नहीं पता कौन सी वो संख्या है। तो हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे x, दूसरी संख्या मान लेंगे y, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दो नंबर के लिए बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ मान लेंगे माना कि एक संख्या, माना एक संख्या बराबर x, ऐसी मान लेंगे माना दूसरी संख्या बराबर क्या है हमारी y, दोनों हो गई। अब क्या करेंगे, जो इसने हमसे बोला वो करेंगे। अब जैसे कि इसने पहली शर्त में हमसे क्या बोला कि दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 26, दो संख्याओं का अंतर 26, दो संख्या हम मान चुके हैं। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का अंतर, इनने बताया कि 26 है, दो संख्या हमारे पास, यानी कि इनका जो अंतर है वो कितना है 26 है, ठीक है। एक समीकरण हमारी ये बन गई। अब दूसरी समीकरण इसने हमसे, मतलब दूसरी शर्त ये बोला कि जो पहली संख्या है यानी कि एक संख्या का है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमें बनानी है। तो लिख देंगे यहाँ दूसरी शर्त से ठीक है। अब क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जैसे बोला हो सेम वैसे ही लिख देना, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही मत, ठीक है। ये बन गया हमारे पास समीकरण दो। अब यहाँ पर समीकरण दो में क्या है, x का मान दे रखा है, x का मान उठाकर समीकरण एक में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण दो से x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। अब x का मान कितना है 3y, तो x की जगह क्या रख देंगे 3y, माइनस उसके बाद क्या है वाई, वाई रख देंगे, बराबर कितना है 26, 26 आ जाएगा। 3y में से वाई गए हमारे कितने बचेंगे 2y,
टू वाई आ गया, बराबर कितना हो गया 26। दो से इसे काट देंगे कितनी बार जाएगा 13 बार, तो वाई का मान कितना आ गया हमारा 13। ठीक है, दो से इसे काट देंगे, दो एकम दो और दो तिया 6, तो 13 आ गया। वाई का मान आ गया हमारा, वाई का मान उठा गया हम यहाँ रख देंगे समीकरण दो में, तो लिख देंगे समीकरण दो से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 3y है, 3 की जगह क्या है हमारा, वो y की जगह क्या मान है, y का मान अभी निकाला हमने 13, तो वो लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ गया 13 × 3 = 39, यानी कि x का मान क्या आ गया 39। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारा आंसर भी निकल गया। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि एक संख्या हमने क्या मानी थी, आंसर में लिख देंगे एक संख्या x, मतलब एक संख्या हमने क्या मानी थी x, तो x का मान कितना आ जाएगा 39। और ऐसी क्या मानी थी हमने, दूसरी संख्या मानी थी हमने y ऊपर, तो वहां से उठा के मान रख देंगे हमारा y का कितना आया 13। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पर हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हम घटाएं तो 39 में से 13, तो हमारा कितना आएगा 26, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। और पहली संख्या यानी एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि जो 13 है 13 × 39, यानी कि ये क्या है 39 पहली संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है हमारा, 2-3 तक हो चुके हैं तीसरा क्वेश्चन था। अब इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा और पांचवा वो देखते हैं। तो पांचवा छोटा क्वेश्चन जो यहाँ पे था उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको पढ़वा दिया था। अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, क्वेश्चन आपके पास होगा वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो पांचवे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसमें हमें दो समीकरण दे रखी हैं। इसमें क्या है, हमें पहले देखना है कि संगत है या असंगत है। अब संगत या असंगत वाले क्वेश्चन मैं इससे पहली वाली वीडियो में करा चुका हूँ, वहां पे जाकर आप देख लें, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। बस इसके आगे जो है वो नया है। इसमें क्या है, अगर इसमें संगत होती है तो हमें क्या है, इसको ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो पहले आप यहाँ पर चेक करें कि संगत है या असंगत है, उसके बाद आपको ग्राफी विधि से कैसे चेक करेंगे। जैसे दो समीकरण है, इसे मान लेंगे एक, इसे मान लेंगे आप दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कि एक यहाँ पर समीकरण एक ले लेंगे, एक बार रख देंगे x बराबर 0। ठीक है, तो हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। फिर रख देंगे एक बार y बराबर 0, तो हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। और कुछ इस तरीके से टेबल बन जाएगी, x के मान, y के मान, ये हमारी कुछ ऐसी टेबल बन जाएगी जब आप मान पुट करोगे। जैसे एक बार रखा x बराबर 0 तो y का मान आ गया 5, एक बार रखा हमने y का मान 0 x का मान आ गया 5, एक टेबल ये बन जाएगी। वैसे आप यहाँ पर मान रखेंगे x और y के, कुछ भी रख सकते हैं, 0 0 कुछ भी रख सकते हैं, वहाँ से आप टेबल निकालेंगे और उसको क्या है, ग्राफ पर आप डोनेट कर देंगे। बस इतना काम करना है, ग्राफी विधि आपकी हो जाएगी। तो अगर पहले आप संगत या असंगत वाला, इससे पहली वाली वीडियो में आकर आप चेक कर सकते हैं। अब क्या है, ये जो पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन सॉरी, ये एग्जाम के लिए, ये आपका क्या कहते हैं, 4 नंबर में भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें क्या है, हमें दो समीकरण दे रखी है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी है तीसरी समीकरण से। तो ये क्वेश्चन मेन है, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और दो क्या है, 3-4 नंबर में भी आ सकता है। तो 3 नंबर में तो पक्का है, मतलब 2-3 नंबर में, तो 4 नंबर में भी आ सकता है। देखते हैं क्या है, ये दो समीकरण है, इन्हें हम कैसे सॉल्व करें। सबसे पहली बात, अब दो समीकरण है तो पहली समीकरण को मान लेंगे एक, दूसरी समीकरण को दो। अब यहाँ पर क्या है, कोई सी विधि लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि, वो आपको पता होगा क्या होती है। तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, यहाँ से ए मतलब एक्स या वाई पहली समीकरण में से किसी का भी मान निकाल लेंगे। तो 2x बराबर 11 माइनस 3y हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, यानी 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये x का मान हो गया, ये बन गया हमारी समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का
मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, टू समीकरण में इसमें हमें रखना है तीन में, तीन का मान हमें दो में रखना है, दो यहां पर x का मान जो हमें रखना है, x का मान हमारा क्या है 11 माइनस 3y अपॉन क्या है हमारा 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया x का मान, माइनस कितना है 4y बराबर है माइनस के 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x की और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, दो ले लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, दो से दो कट गया, इक्वेशन जो थी हमारी वही आ जाएगी ऊपर, इधर दो की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ वन ले लेंगे तो यहाँ टू इंटू फोर वाई बराबर माइनस के 24। अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और ये क्या है हमारा भाग में, ये इधर गुणा में चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर आ जाएगा 22 माइनस 6y और यहाँ माइनस के 8y, ठीक है, बराबर आ गया माइनस के 48, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 22 माइनस 8 और 6 14 वाई हो गया बराबर माइनस के 48, ठीक है। अब क्या करेंगे, 22 यहाँ पर है, ये हमारा यहाँ माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएंगे 48। अब यहाँ पर क्या है, वाई हमारा किसका है, माइनस का, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे 8 8 और 2 10 जीरो हासिल 1 4 5 6 और 1 7 14y। यहाँ से वाई का मान निकाल लेंगे, 14 5 हमारा कितना हो गया, 5 से 5 6 20 जीरो और 2 यानी 14 5 70 ये आ गया हमारा वाई का मान, y का मान आ गया। अब x और y दोनों की जरूरत पड़ेगी, अब क्या करेंगे, y का मान उठा के यहाँ पुट कर देंगे x में, तो लिख देंगे x बराबर 11 माइनस 3, y का मान हमें कितना आया 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 5 दिया 15 अपॉन 2, कितना आ जाएगा माइनस के 4 अपॉन 2, तो x का मान क्या आ गया माइनस के 2। अब जो इसमें पहली कंडीशन थी कि यहाँ पर x मतलब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करो, वो हमने सॉल्व कर दिया, यानी x और y के हमने मान निकाल दिए। अब इसमें क्या है, हमें m का मान निकालना है, m का मान है, उसके लिए हमें इक्वेशन ये दे रखी है, y बराबर mx प्लस 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिख देंगे कि x और y के मान, x व y के मान रखने पर, तभी हमारा यहाँ से m का मान निकल सकता है। y का मान है यहाँ पर 5 और x का मान है माइनस के 2, तो माइनस के 2x हो गया, 2m हो गया, प्लस का कितना है 3, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 हो गया, प्लस का 3 है, इधर ले आएंगे माइनस का 3 हो जाएगा बराबर माइनस के 2m, यही। अब क्या है, घटा देंगे 2 बराबर माइनस के 2m, 2 से 2 काट देंगे, यहाँ कितनी बार गया, एक बार, तो m का मान क्या हो गया माइनस के 1, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो m का मान कितना हो गया 1, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें हमसे m का मान ही पूछा था, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है, समझ गए, तो इस साल भी जरूर आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे दो नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो हो चुके हैं। अब इसके बाद जितने हमारे नेक्स्ट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिस पर, उसमें क्या होंगे, 4 नंबर वाले होंगे और 5 नंबर वाले। तो जब तक आप हमारे वीडियो को जो जितने से ज़्यादा शेयर हो सकती है उन्हें शेयर करें, जिससे ये वीडियो औरों के पास भी पहुंच सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।